गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय क्लास इन स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश 2। वी वर डूइंग द रिवीजन टेस्ट। इन दिस टेस्ट वी वर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 वाज डू एज डायरेक्टेड, दैट वाज इनकंप्लीट। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम सेंटेंस नंबर 6 इन दिस क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सेंटेंस नंबर टिल द सेंटेंस नंबर 6 वी हैव कंप्लीटेड। नाउ लेट स्टार्ट फ्रॉम सेंटेंस नंबर 7। द मून shining brightly today. Change to simple past. तो simple past tense में आपको change करना है। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है वो सबसे पहले देखना है। तो लेट्स सी द वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस। द वर्ब्स आर इज साइनिंग, एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी इज द व्हाट इज द टेंस ऑफ दिस वर्ब। तो कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में से हमें पास्ट, सिंपल पास्ट में आपको कन्वर्ट करना है। तो सिंपल पास्ट के आपको वर्ब पता होने चाहिए। सिंपल पास्ट टेंस के वर्ब आते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब 2, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब 2 आता है सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस का फॉर्म आता है वर्ब का। यहाँ पे वर्ब कौन सा है? साइनिंग। इसका पास्ट टेंस क्या होता है? तो पूरा सेंटेंस लिखते हैं, बाकी जो सभी वर्ड्स है वो वहीं के वहीं रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें वर्ब में ही चेंजेस करने हैं। तो क्या आएगा? द मून शोन ब्राइटली टुडे। नेक्स्ट है द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। चेंज टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वर्ब आपको पता होना चाहिए। तो क्या आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? एम या इज या आर प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी। अब जो सेंटेंस दिया है उसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब है एस ई एस वाला वर्ब, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। उसमें से हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इन्वर्ट कन्वर्ट करना है। ओके, तो ब्राइट्स है तो ब्राइट्स का हमें आईएनजी वाला फॉर्म कर देना है ब्राइटिंग, और आगे हमें एम इज आर एड करना है। आगे सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। तो द टीचर के साथ क्या आएगा? तो टीचर के साथ एम इज आर में से आएगा इज, क्योंकि द टीचर है वो सिंगुलर नाउन है। तो इज आएगा
राइट से उसका हो जाएगा आईएनजी वाला यानी कि राइटिंग हो जाएगा, एस भी निकल जाएगा और लास्ट में ई है वो भी निकाल के आईएनजी ऐड कर देना है ऑन द ब्लैक बोर्ड। दूसरे सभी वर्ड्स में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। He completed his lesson. इसमें चेंज टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है तो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वर्ब भी पता होने चाहिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वर्ब क्या है? शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। शैल और शैल प्लस हैव तो सभी के साथ रहेगा ही, अब हमें चाहिए पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। वर्ब कौन सा है? कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड का पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीटेड ही रहेगा तो ही है। अब ही के आगे विल हैव या शैल हैव लिखना है तो ही के साथ विल हैव आएगा, शैल है वो आई और वी के साथ ही आता है, यहाँ पे ही है इसलिए विल आएगा, ही विल हैव। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही रहेगा। His lesson. Okay, understood? तो ये जो सभी है अपनी बुक में लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जो वर्ब्स है उसके आपको पास्ट टेंस का फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म क्या होता है वो लिखना है। ओके, तो हम यहाँ पे 3 पार्ट कर देते हैं। पहले आएगा वर्ब, यहाँ लिखेंगे पास्ट फॉर्म और यहाँ पे लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल।
पास्ट पार्टिसिपल यानी पीपी। पहला है कट, तो कट का पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म क्या होता है, तो कट वर्ब ऐसा है जिसके तीनों के तीनों फॉर्म सेम ही रहते हैं, कट कट कट। सेकंड वर्ब में होल्ड, होल्ड है उसका पास्ट फॉर्म है, वो कैसे फॉर्म होगा, तो उसके अंदर जो वोवेल है उसमें चेंजेस करने से हो जाएगा, होल्ड का एच ई एल डी कर देंगे तो हेल्ड हो जाएगा, जो उसका पास्ट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल सेम रहेगा हेल्ड होल्ड हेल्ड हैंड। थर्ड इज कैच, सो व्हाट इज द पार्ट फॉर्म पास्ट फॉर्म ऑफ कैच, इट्स कॉट सी ए यू जी एच टी कॉट, एंड पास्ट पार्टिसिपल विल ऑल्सो रिमेन सेम कॉट। पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ कैच आर कॉट एंड कॉट, कैच कॉट कॉट। Kneel, okay? इसको क्या बोलेंगे, नील, नील का होगा पास्ट फॉर्म होगा नील, नेल्ड, और पास्ट पार्टिसिपल भी नेल्ड, ठीक, तो नील नेल्ड नेल्ड। Write this question in your book. या फिर मोर
लगा के फॉर्म कर सकते हैं। सुपरलेटिव में ईएसटी या तो मोस्ट ऐड करके हम फॉर्म कर सकते हैं। अब कंपैरेटिव है वो कैसे पता चलता है, तो सेंटेंस में देन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म लिखना है और ब्लैंक के आगे, तो ब्लैंक के उसके आगे द है तो हमें समझ लेना है इसमें हमें सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म लिखना है। ओके सो लेट्स सी द ब्लैंक्स। अनु इज ब्लैंक देन मी, ब्रैकेट में है थीन और थिनर, दोनों में से कौन सा फॉर्म आएगा तो आपको लिखना है। थीन है वो पॉजिटिव डिग्री का है, थिनर है वो कंपैरेटिव डिग्री का है। अब ये ब्लैंक है वो पॉजिटिव डिग्री की है कि कंपैरेटिव डिग्री की है, तो यहाँ पे देखते हैं कि अनु इज ब्लैंक देन, देन आया मीन्स मी और अनु दो पर्सन के बीच में कंपेरिजन हुआ है और देन है इसीलिए अगर दो पर्सन दो थिंग्स के बीच में कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री आता है। ओके और देन भी है इसलिए हम पता कर सकते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री की ही ब्लैंक है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म कौन सा है थिनर, तो ब्लैंक में आएगा थिनर। सेकंड इज द ब्लैंक प्लेस आई हैव सीन इज काश्मीर, ओके तो ब्लैंक के आगे आप देख सकते हो द, तो मैंने जितने भी प्लेस देखे हैं उसमें से सबसे अच्छा कश्मीर है। ओके तो ये सभी के बीच में एक को हम ज्यादा हायर क्वालिटी बता रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वालिटी बता रहे हैं, तो इसमें हमें सुपरलेटिव का फॉर्म लिखना है और ब्लैंक के आगे क्या है द है वो भी सुपरलेटिव डिग्री ही इंडिकेट करता है। और ब्रैकेट में है मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ पे सिर्फ कश्मीर की ही बात की गई है, कश्मीर के साथ दूसरे कोई सिटी की कंपैरिजन दो के बीच में कंपैरिजन नहीं है। सभी जितने भी मैंने प्लेस देखे हैं उन सभी प्लेस में से कश्मीर है वो सबसे ब्यूटीफुल मुझे लगा है, तो सबसे ज्यादा है इसका मतलब इसमें सुपरलेटिव है तो मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल है वो कंपैरेटिव डिग्री का है, मोस्ट ब्यूटीफुल है वो सुपरलेटिव का है, तो यहाँ पे जो आएगा वो है मोस्ट। Many is the great athlete of our school. Okay, हमारे स्कूल में सबसे एक ही जो बेनी है वो ही सबसे क्या है ब्रैकेट में है बेटर एंड बेस्ट, सबसे अच्छी गुड का होता है बेटर और बेस्ट, गुड का कंपैरेटिव फॉर्म होता है बेटर, सुपरलेटिव होता है बेस्ट, सबसे अच्छी एथलीट है, तो सभी स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन किया गया है इसका मतलब ये कौन सी डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री। और उसके अलावा ब्लैंक के आगे आप देख सकते हैं क्या है द है और देन कहीं पे भी नहीं है, इसलिए कंपैरेटिव नहीं है सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है बेस्ट, यहाँ पे आएगा बेस्ट, बेनी इज बेस्ट एथलीट ऑफ आर स्कूल।
दिस बाइक इज ब्लैंक देन दिस कार चीप चीपर चीप है वो क्या है पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म है चीपर है वो क्या है कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म है ये ब्लैंक है वो देख सकते हैं हम ब्लैंक के बाद में देन है और दिस का और दिस बाइक दो थिंग्स के बीच में कभी भी दो थिंग्स के बीच में कंपैरिजन हो तो कौन सी डिग्री आती है कंपैरेटिव डिग्री सो दिस बाइक इज चीपर देन Than this car, okay? पहले इतनी blanks लिख लो अपनी बुक में Next, Manisha's hair are as black her sister. ब्रैकेट में है लॉन्गेस्ट लॉन्गर लॉन्ग एज यानी उतने ही लंबे लॉन्गर यानी उससे ज्यादा लंबे अब दोनों के बीच में कंपैरिजन हुआ है कि दोनों सेम ही है दोनों में जो क्वालिटी है वो सेम है यहाँ पे हम देख सकते हैं एज हो तो पॉजिटिव डिग्री आता है तो यहाँ पे आएगा लॉन्ग एज लॉन्ग एज सो मनीषास हेयर आर एज लॉन्ग एज हर सिस्टर अरुण इज डैश देन गीता क्लेवर एंड क्लेवरेज अब यहाँ पे दो पर्सन के बीच में कंपेरिजन है तो दो के बीच में हो तो कंपेरेटिव डिग्री आती है उसके अलावा यहाँ पे देन भी है तो कंपेरेटिव डिग्री का फॉर्म कौन सा है क्लेवर है या क्लेवरेज है इट्स क्लेवर यहाँ पे सही आंसर कौन सा आएगा क्लेवर अरुण इज क्लेवर देन गीता कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 इज कम्प्लीटेड नाउ राइट दिस सेंटेंसेस इन योर बुक और आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे सभी क्वेश्चन को घर पे रीड करना है रिवाइज करते रहना है